नमस्कार, जय श्री राम। मैं अमित गुप्ता, कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 19, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर। आज अपने वार्ड के अंदर आज हमने सफाई कर्मी के साथ और हमारी डॉक्टर हेल्थ संजोतिया जी के साथ और उनकी पूरी टीम, हमारे यहाँ के सुपरवाइजर सनी कोखर जी और मेरे साथ विशाल जी, राजू जी, शमी जी, सहल जी, सब ये मोजी लोग हैं। और राजू जी विनायक बाज़ार के प्रेसिडेंट भी हैं मेरे साथ, विशाल जी मोजी लोग हैं। हमने एक अभियान स्टार्ट किया है नाइट में अपने वार्ड के अंदर कि हम लोगों का ध्यान रखें। जब वोट मांगने गए थे, हमने उनसे वादे किए थे कि हम आपकी हेल्थ का, आपकी सेहत का, सफाई गली नालियों का काम कराएंगे। और जीवल में आज नाइट सफाई हो रही है। जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन का, कमिश्नर मैम का थैंकफुल करते हैं और डॉक्टर संजोतिया जी का बहुत ज़्यादा थैंकफुल करते हैं, जो हमने इनको रिटर्न में लिख के दिया था कि मेरे वार्ड में अंदर ज़्यादा रेवेन्यू आता है और यहाँ के लोग, हमारे वार्ड के लोग ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं और यहाँ पे सफाई अच्छी होनी चाहिए। आज इन्होंने जो मेरी डिमांड थी, आज इन्होंने, डॉक्टर हेल्थ ने पूरी की है, इनका धन्यवाद करते हैं। हम और भी ज़्यादा अपने जम्मू को स्वस्थ साफ रखेंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक मिशन है कि स्वस्थ भारत अभियान जो चला के रखा हुआ है। हम और अच्छा करेंगे और डेवलपमेंट करें अपने वार्ड की और जम्मू को और क्लीन करेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे और आम जनता से ये वो वादे कि हम पूरा करेंगे। और आज देख सकते हैं कि आज विनायक बाज़ार जीवल में वार्ड नंबर 19 में नाइट सफाई हो रही है कि यहाँ पे रजौरी, पुंछ, कश्मीर के लोग यहाँ पे आते हैं, डोडा, किश्तवाड़ के लोग जम्मू सिटी के यहाँ जीवल एरिया में आते हैं, होटल और ढाबे यहाँ ज़्यादा हैं, इसलिए हम नाइट विज़न में सफाई स्टार्ट की है। और डॉक्टर संजोगिया, डॉक्टर सूदन, हेल्थ ऑफिसर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। एक्चुअली यहाँ पर कोरोना के बाद जब दुकानें खुलने लगी तो काफ़ी गंद पड़ रहा था, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप हार्ट ऑफ द सिटी बोल लीजिए, हमारा जितना भी फुटफॉल है यहाँ बहुत ज़्यादा है, बड़े सारे होटल्स, ढाबे, जैसे कॉर्पोरेटर साहब ने बताया। तो इनकी काफ़ी देर से मांग थी कि यहाँ पर भी नाइट सर्विस शुरू हो जाए। नाइट सर्विस का मतलब होता है कि यहाँ जो भी गंद पड़ता है रात में साफ़ हो जाता है, तो मॉर्निंग में जब लोग निकलते हैं तो उनको एक अच्छा माहौल दिखता है, और सुबह लोग वॉक करने के लिए जा रहे होते हैं तो सड़कें गंदी नहीं, साफ़ सुथरी होती हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है, मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान को, इस उनके काम को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि इसको हम शुरू करें आज से। तो ये अभी हमने शुरू किया है और ये कंटिन्यू रहेगा। आने वाले समय में हम बाकी मार्केट्स को भी कवर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों को इससे बहुत सुविधा होगी। नमस्कार। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।